अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा जी, आपका जो टेस्ट होगा ना, आप नेक्स्ट टाइम लाइक सेकंड चैप्टर का इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं मंडे को, ठीक है? मंडे को आपका जो सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा उसमें फिर आप ये इतना करेंगे कि टेस्ट आपको ईमेल हो जाएगा। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बल्कि ईमेल भी नहीं होगा, यू विल बी हेयर डायरेक्टली ऑनलाइन। आप यहाँ पे होंगे, ऑनलाइन होंगे, और ड्यूरिंग योर ऑनलाइन स्टे इन द क्लास वो टेस्ट यही स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा, और वो विद इन 90 मिनट्स आपने अटेम्प्ट करके उसको फिर आपने बाद में वो टेस्ट आपकी स्क्रीन से गायब हो जाएगा। यू हैव टू सबमिट इट आफ्टर स्कैनिंग इट। आई होप आपके पास स्कैन की है फैसिलिटी, या इन केस अगर स्कैनिंग ना भी हो सके तो आपके पास मोबाइल फोन में सबके पास अच्छे कैमरास तो होंगे ना, तो आप उसकी पेज बाय पेज पिक्चर लेके आप उसको ईमेल कीजिएगा, क्योंकि वो पहले टेस्ट में ये प्रैक्टिस की है हमने कि वो मैंने टाइप्ड टेस्ट आपसे मंगवाए हैं, लेकिन वो जो टाइप्ड टेस्ट हैं उसमें डेफिनेटली वो आपका फाइनल पेपर तो टाइप नहीं करना ना आपने, और उसमें सेकेंडली जो टाइपिंग स्पीड है आपकी वो भी इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा आपकी ना जो इफेक्टिवनेस है ना वो मैयर नहीं हो सकती। तो जो मंडे को टेस्ट होगा, एक तो वो होगा ड्यूरिंग क्लास टाइमिंग में, मतलब इन दीज 90 मिनट्स, ठीक है? आर यू गेटिंग मी ऑल? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? तो जो नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका, दैट इज गोइंग टू बी द मैनुअल वन। यू आर गोइंग टू स्कैन इट इफ यू हैव स्कैनिंग फैसिलिटी, और यू आर गोइंग टू जस्ट टेक द पिक्चर्स ऑफ ईच शीट ऑफ द पेपर एंड यू आर गोइंग टू सेंड इट थ्रू ईमेल टू मी, ठीक है? ये आसान होगा, इसमें एक तो वो जो आपकी राइटिंग एबिलिटी है वो भी चेक हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल पेपर तो आपने मैनुअली अटेम्प्ट करना है, वो आपने टाइप नहीं करना। हमने कल थर्ड चैप्टर को वाइंड अप किया है, थर्ड चैप्टर के हवाले से हमने कल पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। मैं आज दोबारा से उसके पास्ट पेपर क्वेश्चंस को रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है? और सेकंड चैप्टर, वो जो फाइल आपको भेजी है उसमें फर्स्ट और सेकंड, उसमें पूरी बुक के एनालिसिस है, और जो फाइल आपको ईमेल हुई है ना उसमें पूरी बुक के एनालिसिस है, तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह आज की क्लास के एंड में दोबारा बात कर देंगे। अच्छा जी, आपका जो पार्ट बी है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में तीन चीजें आती हैं, स्ट्रक्चर, कल्चर एंड चेंज। जी जी कल क्लास हुई थी जनाब अदील साहब, अपना इट वाज कम्युनिकेटेड, कल हुई थी क्लास। ओके जी, तो ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रोसेस है उसमें तीन एरियाज कवर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, स्ट्रक्चर, चेंज एंड कल्चर। किसी भी इदारे में जब भी आप किसी एक्टिविटी को प्रोसेस करवाते हैं, आप किसी भी काम को अचीव करवाने के लिए मूव करते हैं, तो अल्टीमेटली उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो गोल है आपका, वो आपने मीट करना होता है। उसका गोल मीट करने के लिए हमें तीन चीजों को फाइन ट्यून करना होता है। एक तो हमें स्ट्रक्चर की फाइन ट्यूनिंग करनी होती है, एनवायरमेंट के लिहाज से, रिक्वायर्ड मैन पावर के लिहाज से, आउटपुट के लिहाज से, हमने काफी डिटेल में पढ़ा है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को। तो एक तो हमें स्ट्रक्चर की फाइन ट्यूनिंग चाहिए होती है, एंड सेकेंडली वी नीड अ फाइन ट्यूनिंग ऑफ हाउ टू कूप अप विद चेंज एंड कल्चर। चेंज और कल्चर के साथ हमने कैसे कूप अप करना है, तो कल्चर और चेंज जो है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अच्छा, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर जो है ये बड़े छोटे चैप्टर हैं, बहुत लेंथी चैप्टर्स नहीं है, दे आर क्वाइट स्मॉल चैप्टर्स। पार्ट बी में से 20 नंबर प्लस माइनस 2 मार्क्स होते हैं, 18 या 22 नंबर का सवाल आएगा। तो जो 20 मार्क्स एलोकेटेड है आपके पार्ट बी को, उसमें से 50% मार्क्स जो है वो मैंडेटरी हैं फ्रॉम द थर्ड चैप्टर, मतलब कम से कम 50%, ज्यादा भी हो सकते हैं, और रिमेनिंग 50% मार्क्स जो है वो आते हैं आपके फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर। चौथा और पांचवा चैप्टर जो है ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है अप टू 50%, कम भी हो सकते हैं, और लेकिन 50% से ज्यादा नहीं होते, बड़ा रेयर होता है कि 50% से ज्यादा नंबर इसमें से आए। चेंज के अंदर हम दो एरियाज को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज चेंज, चेंज है क्या, एंड सेकेंडली हाउ टू मैनेज चेंज। इसमें हम बात करेंगे चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज स्ट्रेटेजिक चेंज, चेंज होता क्या है, एंड सेकेंडली वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू मैनेज चेंज इफेक्टिवली, हम चेंज को मैनेज कैसे करते हैं, इसमें हमको चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स डिस्कस करेंगे।
अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चैलेंज जो आता है चेंज में से, स्पेशली चेंज के क्वेश्चन को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चेंज में से अगर कोई मॉडल आ जाए आपको, किसी मॉडल पे अगर सवाल आ जाए तो फिर तो बड़ा आसान है, लेकिन जनरली चेंज में से जो क्वेश्चन आता है वो घुमा फिरा के आता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होता। वो आपसे मैं हेडफोन चेंज करवा के देखता हूँ, इज इट क्लियर नाउ? चेंज में से जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, दैट क्वेश्चन इज प्राइमरली नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होता। ये जो क्वेश्चन होता है चेंज में से, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसमें थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो ये तीन है। अगर जब आप चेंज का टॉपिक पढ़ लेंगे तो ये तीन एरियाज हैं, ये आपके क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज के सोर्सेज क्या होते हैं, फ्रॉम वेयर डज द चेंज कम, चेंज के सोर्सेज क्या होते हैं, चेंज आता कहां से है। सेकेंडली, चेंज का प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज। इस प्रोसेस ऑफ चेंज में हम डिफरेंट मॉडल्स को देखेंगे, एंड देन द रिएक्शन टूवर्ड्स चेंज। जब आप किसी भी चेंज को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं तो हाउ डू पीपल रिएक्ट टूवर्ड्स चेंज, लोगों का क्या रिएक्शन होता है चेंज की तरफ। ये इस चैप्टर के कवर होने के बाद, दिस पार्ट ऑफ द सिलेबस इज गोइंग टू इक्विप यू विद द फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिहेवियोरल कंसर्न रिगार्डिंग चेंज मैनेजमेंट। तो चेंज, पहले तो देखेंगे चेंज होता क्या है। इसमें दो हमारे मेन पार्ट है, पहला अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्ट्रेटेजिक चेंज, चेंज है क्या, एंड सेकेंडली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक चेंज, हाउ टू मैनेज द चेंज। सबसे पहले बात करते हैं चेंज होता क्या है, व्हाट इज द चेंज, और चेंज की नेचर क्या होती है। नेचर ऑफ चेंज, देन ट्रिगर्स ऑफ चेंज। ट्रिगर कहते हैं समथिंग दैट एग्जीक्यूट्स, एग्जीक्यूटिंग फोर्स जो होती है हम कहते हैं ट्रिगर, एग्जीक्यूटिंग फोर्स दैट इज नोन एज ट्रिगर। जो चीज किसी पॉइंट को एग्जीक्यूट कर दो आप, उसका ट्रिगर कहते हैं। चेंज के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज कहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स को, इसके जो असरात होते हैं। जब आप एक चेंज को ले आए हैं तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, व्हाट आर गोइंग टू बी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ चेंज। ये चेंज के जो असरात हैं वो आप डिटरमिन करते हैं चेंज के आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। एंड देन एटीट्यूड टूवर्ड्स चेंज, रिएक्शंस, इंसानों के जो रिएक्शंस होते हैं चेंज की तरफ, बड़ा एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है एटीट्यूड टूवर्ड्स चेंज या रिएक्शन टूवर्ड्स चेंज, हाउ डू पीपल रिएक्ट टूवर्ड्स चेंज, लोगों का क्या रिएक्शन होता है चेंज की तरफ। सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज चेंज, चेंज की नेचर क्या होती है, चेंज की कैटेगरीज या चेंज की टाइप्स क्या होती हैं, और चेंज की डायमेंशन क्या होती है। देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड देर आर सर्टन डायमेंशन ऑफ चेंजेस। जनरली चेंज की अगर हम टाइप्स की बात करें तो चेंज जो है उसकी दो किस्में होती हैं, दो डैम अपना टाइप है, एक होता है प्लैंड चेंज और एक होता है अनप्लैंड चेंज। प्लैंड चेंज समथिंग फॉर विच यू हैव थॉट, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक कंपनी ने एक नया प्रोसेस इनिशिएट करना है, अब वो उसके लिए पहले सारी प्लानिंग करेंगे, दे आर गोइंग टू प्लान एवरीथिंग अगेंस्ट दैट, दे आर गोइंग टू डिस्कस कि चेंज क्या है, किस तरह से आएगा, उसमें डिजायर्ड सिचुएशन क्या है, कंपनी की गोल्स क्या है, और एवरीथिंग इज समथिंग विच इज प्लान, जो आपने पहले से प्लान किया हुआ है। प्लान चेंज को लाना आसान होता है क्योंकि तो इसके लिए आपको तैयारी करने का मौका मिल जाता है। इट इज इजियर फॉर द बिजनेस टू इनकॉर्पोरेट अ प्लान चेंज बिकॉज प्लान चेंज मेक्स इट इजी फॉर द बिजनेस टू हैंडल द सिचुएशन, द सर्कमस्टांसेस। आप पहले से फोर्सी कर लेते हैं कि आने वाले जो आपका जो चेंज जो आप लेके आ रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है और किस तरह वो जो चेंज है आपका वो उस सिचुएशन में आपके लिए एक यू नो एक अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट कर सकता है, एंड हाउ दैट चेंज प्रोसेस इज गोइंग टू क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी, इसके लिए आप पहले से तैयारी कर लेते हैं। सेकेंडली वी हैव अनप्लैंड चेंज। अनप्लैंड चेंज इज समथिंग दैट इज नॉट डिस्कस्ड बिफोर। अनप्लैंड चेंज जो होता है आपका, ये डिपेंड करता है डेवलपमेंट्स के ऊपर,
इवेंट्स और न्यू सर्कमस्टांसेस के ऊपर, जिसके लिए आपने पहले से तैयारी नहीं की होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अगर आप क्विकली रिकैप करें पेस्टल एनालिसिस को, वो फैक्टर्स जो एनवायरनमेंट में अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, जो आपकी मैक्रो एनवायरनमेंट है, ये अनप्लान्ड चेंज को ट्रिगर करती है, इसे हम रिएक्टिव चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर की एकदम बाइंग पावर कम हो गई है, कस्टमर का की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, तो उसके अगेंस्ट जो आप चेंज लेके आएंगे अपने प्रोसेस में, वो अनप्लान्ड चेंज होगा। ठीक है, या लेट्स सपोज दैट द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज डिक्लाइनिंग, पूरे मुल्क की जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइनिंग में जा रही है, तो उसके अगेंस्ट जो आप अपने इंटरनल मैकेनिज्म को चेंज करेंगे, दैट विल बी अनप्लान्ड चेंज। अनप्लान्ड चेंज जो है ये रिएक्टिव होता है, इसमें आप रिएक्ट करते हैं, प्लान्ड चेंज में आप प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब होता है समथिंग फॉर विच यू प्रिपेयर योरसेल्फ अर्लियर, आप किसी काम के होने से पहले अपने आप को तैयार कर लेते हैं, दैट इज प्लान्ड। और आप सिचुएशनल रिएक्ट करते हैं, सिचुएशन के लिहाज से आप जो है वो अपने आप को मूव करते हैं, दैट इज अनप्लान्ड। अच्छा, चेंज की दो डायमेंशन होती है, एक होता है इंक्रीमेंटल और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल। अब प्लान्ड चेंज कैन बी इंक्रीमेंटल, कैन बी ट्रांसफॉर्मेशनल, एंड अनप्लान्ड चेंज कैन ऑल्सो बी इंक्रीमेंटल, इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफॉर्मेशनल। तो जो दो टाइप्स है मेन चेंज की, प्लान्ड और अनप्लान्ड चेंज, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव चेंज, वो इंक्रीमेंटल भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशनल भी हो सकता है। दिस इज टाइम एंड दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ठीक है, नाउ दिस इज इंक्रीमेंटल चेंज। आप एक सर्टन पोजीशन को अचीव करते हैं, फिर आप उसको सस्टेन करते हैं, एंड देन यू मूव अबव, फिर आप और ऊपर जाते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट करने का मतलब होता है कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस में एक फेयरली कोई स्मॉल चेंज लेके आना। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी जो है वो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में कोई नया वेरिएंट लॉन्च कर दे, या एक इदारा जो है फॉर एग्जाम्पल वो अपने किसी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक नई असेंबली लाइन जो है उसे ऐड कर दे। मतलब इसमें आप बहुत मेजर रीऑर्गेनाइजेशन या रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करते इदारे की, ना उसके प्रोसीजर्स की, इसको बड़ी इजीली आप अडेप्ट करवा लेते हैं, इसे हम इंक्रीमेंटल, द वर्ड इंक्रीमेंट मींस एडिंग इनटू, ऐड करते हैं उसमें आप। इंक्रीमेंट करने का मतलब होता है ऐड करना। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज क्या होता है, आप अपनी किसी एक सिचुएशन या किसी एक पोजीशन से एक एंटायरली नई शक्ल में आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, इट्स अ बिग चेंज। इसे हम बिग चेंज या वन ऑफ इवेंट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ इवेंट, इट इज अ बिग चेंज। इसमें आप मेजर रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं इदारे की। ये जो चेंज है जो मुश्किल से आता है, दिस चेंज इज नॉट एन इजी वन, ये चेंज आसान नहीं होता। इस चेंज को लाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जितने भी हम चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स की बात करते हैं, जितने भी हम चेंज मैनेजमेंट प्रोसेसेस की बात करते हैं, वो चेंजेस जो है आपके, वो आपके अनप्लान्ड चेंजेस के अंदर, जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हैं आपके, वो उसमें ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज में मैक्सिमम आपको स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं चेंज मैनेजर के। इसके अंदर जो चेंज मैनेजर्स होते हैं, दे हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे चेंज मैनेजर्स कौन होते हैं। किसी भी चेंज प्रोसेस को इनिशिएट करने वाला, किसी भी चेंज प्रोसेस के अंदर अपने स्किल्स को यूज करके चेंज प्रोसेस को हार्मोनाइज करने वाला, उसे हम चेंज मैनेजर कहते हैं। पर्सन हु मेक्स अ चेंज पॉसिबल, वो बंदा जो चेंज को पॉसिबल बनाए, दैट इज नोन एज अ चेंज मैनेजर। अच्छा, चेंज जो है इट कैन बी अ वन ऑफ इवेंट, यानी एक दफा ऑल टुगेदर आप क्विकली एक ओल्ड स्टेट से एक नए स्टेट ऑफ अफेयर्स में आ जाए, वन ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक है, वो बैंक जो है वो ऑल टुगेदर एंटायरली जल्दी से अपने मैनुअल अकाउंट कीपिंग सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर ले कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर, ये वन ऑफ इवेंट होगा, दैट इज अ वन ऑफ इवेंट। अच्छा, एक होता है चेंज, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। चेंज जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट का। जैसे कंपनी जो है वो हर दफा अपने प्रोडक्ट में कोई ना कोई इनोवेशन लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट होंडा या इफ यू टॉक अबाउट टोयोटा, तो इनके अंदर जो चेंज है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हर दफा अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंपनी जो है वो एक एंटायरली एक नई सिचुएशन से, एक नई शक्ल से दूसरी शक्ल में जा रही है, सो दैट विल बी नोन एज वन ऑफ इवेंट। वन ऑफ इवेंट का मतलब होता है आंख झपकते एकदम एक चेंज जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। चेंज बड़ा एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, मतलब समथिंग विच हैज टू अकर। मतलब चेंज एक इनएविटेबल रियलिटी है। चेंज जो है
दिस वर्ड चेंज इट इज एन इनएविटेबल रियलिटी. इनएविटेबल मीन समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड. चेंज हमेशा होना ही होना है. चेंज को आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते. इट इज इनएविटेबल. चेंज कैन नेवर बी अवॉइडेड. चेंज हैज टू अकर. चेंज ने होना ही होना है. पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जो वही चीज अनचेंजेबल है वो चेंज अपने आप में खुद है. चेंज खुद चेंज नहीं हो सकता. चेंज कैन नॉट बी चेंज. चेंज हैज टू अकर. ठीक है ना. आप अपनी अपना नेचुरल फिनोमेना देख लें. आप अपना अपने इर्द गिर्द आप जो नेचुरल इवेंट्स हैं आप उनको देख लें. हर वक्त एक चेंज प्रोसेस जो है वो ट्रिगर हो रहा होता है. हर वक्त एक चेंज जो है वो दुनिया में आ रहा होता है. आप अपनी फिजिकल मेटाबॉलिज्म देख लें. आप में भी डे बाय डे आप में चेंज आ रहा है. पहले हम बच्चे होते हैं, फिर हम ग्रो करते हैं, फिर हम एडोलेसेंस में आते हैं, फिर हम मेच्योर होते हैं, फिर हम बूढ़े होते हैं, और फिर हम दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं. तो अल्टीमेटली चेंज जो है ये एक कॉन्स्टेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो हमेशा रहेगा. इट्स नॉट गोइंग टू एंड. तो जब चेंज रहना है, जब चेंज आना है, तो वाई नॉट टू अंडरस्टैंड कि चेंज को किस तरह हम अपने हक में बेहतर बनाएं और हम किस तरह अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करके एक्सप्लॉइट करें चेंजेस को. ठीक है ना. चेंज आता किन वजूहात की बिना पे है उसके हम कहते हैं ट्रिगर्स ऑफ चेंज. ट्रिगर का मतलब होता है समथिंग दैट एग्जीक्यूट्स अ चेंज. कोई भी चीज जो चेंज को एग्जीक्यूट करे. बेसिकली रीजंस होते हैं चेंज के और रीजंस वो मोटिवेट यू टू चेंज. आज से 30 साल पहले जो कंपनी टाइपराइटर बनाया करती थी, अगर वो कंपनी आज कीबोर्ड नहीं बनाती तो वो दुनिया में नहीं होगी, मार्केट में नहीं होगी. ठीक है ना. तो बार दफा तो चेंज को लेके आना आपके लिए लाजिम हो जाता है क्योंकि उसके बगैर आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती. ट्रिगर कैन ईदर कम फ्रॉम आउटसाइड और इट कैन कम फ्रॉम इनसाइड द कंपनी द एंटिटी. आउटसाइड मीन्स जैसे हमारा पूरा पेस्टल है. पेस्टल एनालिसिस जो है ये आउटसाइड ट्रिगर है चेंज का. पॉलिटिकल फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है. ठीक है. ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. इनसाइड द एंटिटी इंटरनल फैक्टर्स में आपकी सीनियर मैनेजमेंट है. इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आपके ऑपरेशन है जो चेंज डिमांड करते हैं. ये कुछ आपके इंटरनल फैक्टर होते हैं. हम ये दोनों फैक्टर्स हैं वो डिस्कस करेंगे चेंज के. इंटरनल फैक्टर्स भी और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी, या इंटरनल ट्रिगर्स भी और एक्सटर्नल ट्रिगर्स भी. और अगर आप गौर करें तो एक्सटर्नल ट्रिगर्स में पूरा आपका पेस्टल जो है वो एक्सप्लेन हो रहा है. पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो डेमोग्राफिक. अगर कोई पॉलिटिकल चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे. ठीक है. लेट्स सपोज कोई अगर पॉलिटिकल क्राइसिस आते हैं या कोई सिविल वॉर हो जाती है या कोई मेजर सिविल अनरेस्ट हो जाता है. ठीक है. या कोई सिविल डिसोबीडियंस आ जाती है तो फिर बहुत सारी चेंजेस है वो आपको बेयर करने पड़ते हैं. इकोनॉमिक रीजंस में अगर कस्टमर की बाइंग पावर कम हो जाती है, अगर आपके मुल्क का जीडीपी कम हो रहा है, फॉरेन सेल्स एक्सपोर्ट ज्यादा हो गई है, इंपोर्ट्स आपकी अपना जो है वो ज्यादा हो गई है, एक्सपोर्ट्स आपकी कम है, तो ये आपका एक अनएक्सपेक्टेड जो चेंज होगा प्रोडक्शन आपकी उससे जो है वो इन्फ्लुएंस होगी. अच्छा. सोशियो डेमोग्राफिक या कल्चरल फैक्टर्स में चेंजेस भी आपके अंदर चेंज लेके आते हैं. कस्टमर की बाइंग पावर चेंज हो रही है, कस्टमर की ओवरऑल डेमोग्राफी चेंज हो रही है. ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है और सबसे बड़ा फैक्टर है. एफएमसीजी मार्केट में चेंजेस जो है वो इसी फैक्टर से आते हैं. डेमोग्राफी. डेमोग्राफी हमने डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर में. स्टडी ऑफ पीपल. लोगों को स्टडी करने का नाम जो है वो डेमोग्राफी है. व्हेन यू स्टडी पीपल इट इज नोन एज डेमोग्राफी. अब लोगों के एटीट्यूड्स, लोगों के, और जैसे अभी आपने देखा होगा फूड सेफ्टी और आजकल बड़ा दौर जा रहा है हेल्थ एंड सिक्योरिटी का, हेल्थ एंड सेफ्टी का. तो लोग जो है वो ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर. बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो चेंज को लेके आते हैं. जैसे फूड सेफ्टी की तरफ आपके एटीट्यूड जब ऐसा ऐसा चेंज होते जा रहे हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर मेकिंग मोर क्लियर कि वो किस तरह अपने फूड आइटम्स को सिक्योर करते हैं, उन्हें हाइजीनिक बनाते हैं. ठीक है. इसी तरह पब्लिक एटीट्यूड जो है वो आपके रिटायरमेंट एज के, वो आपके रिटायरमेंट पॉलिसीज को चेंज करते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लान को चेंज करते हैं, आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को चेंज करते हैं, आपकी हायरिंग पॉलिसी को चेंज करते हैं. ये तमाम के तमाम चेंजेस जो हैं ये आपके सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर से आते हैं. अगर आप इसे अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करें और अगर आप सोचें तो आजकल जो कॉन्सेप्ट है बॉटल्ड वाटर का या मिनरल वाटर का, इफ आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, या अगर आप अपना बचपन याद करें शायद, तो हम लोग बॉटल्ड वाटर नहीं कंज्यूम करते थे, हम लोग टैप वाटर कंज्यूम किया करते थे. वी यूज टू कंज्यूम टैप वाटर. या बड़ी हद होती थी तो वालदा जो है वो पानी को उबाल लिया करती थी, दैट्स इट. लेकिन अब देखें घर घर में डिस्पेंसर पड़ा हुआ है और बॉटल्ड वाटर जो है, कि ये सोशियो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं.
जिसने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया, और वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं, एक बात याद रखें, जब भी चेंज आएगा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर अ चेंज इज गोइंग टू कम एंड इट विल ब्रिंग विद इट एन अपॉर्चुनिटी। जब भी दुनिया में किसी भी जगह पे कोई चेंज आता है तो अपने साथ अपॉर्चुनिटी लेके आता है, और उस अपॉर्चुनिटी को जो इदारे टैप कर लेते हैं, जो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोइट कर लेते हैं, उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल रीजन, पेस्ट एनालिसिस में टेक्नोलॉजिकल रीजन भी होते हैं चेंज के। जनरली अगर तो चेंज अनप्लैंड है तो फिर तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मतीन का क्वेश्चन है जी कि हु डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ चेंज रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर तो चेंज अनप्लैंड है ना, इट मींस अगर तो अनकंट्रोलेबल चेंज है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल आपकी जो ओवरऑल ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको, तो फिर तो इसके लिए आपको रिएक्टिव अप्रोच जो है वो यूज करनी पड़ती है। आपके पास टाइम ही नहीं होता ये डिटरमिन करने के लिए कि कौन इसको रिएक्ट करेगा। जनरली जो ट्रिगर्स हैं इंटरनली वो टॉप मैनेजमेंट ही होती है, ठीक है। जनरली जो किसी भी चेंज को इनिशिएट करवाने वाले जो है वो आपके चेंज एजेंट, और वो चेंज एजेंट आपके टॉप मैनेजमेंट ही होती है। अमाउंट ऑफ चेंज कितना आना ये डिपेंड करता है आपकी बिजनेस प्रोसेस के ऊपर। बार दफा छोटा सा चेंज करके भी आप सस्टेन कर जाते हैं अपने बिजनेस को, और बार दफा बहुत बड़ा चेंज ला के भी आप फेल हो जाते हैं। ये प्योरली डिपेंड करता है आपके अपना बिजनेस के प्रोसेस के ऊपर कि चेंज किस किस्म का आ रहा है और उसे आपने कैसे एग्जीक्यूट करना है। सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी चेंज लेके आती है। जैसे मैंने भी एग्जांपल दी, बैंकिंग निजाम देखें आप, अपना बैंकिंग सेक्टर देखें तो बैंकिंग आजकल का जो मॉडर्नाइज्ड बैंकिंग सेक्टर है ये पूरा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे चलता है। लेकिन अगर आप आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं होती थी और उसके अलावा सारा मैनुअल काम हुआ करता था। जी, थ्रेट ऑफ बीइंग डिप्लीटेड एग्जिस्ट इन केस ऑफ अनफ्रेंडली, एग्जैक्टली बिल्कुल ये होता है। ये एग्जिस्ट करता है। If you are not going to change, ultimately you are going to be defeated. आप खत्म हो जाएंगे। Ecological factors होते हैं जो change लेके आते हैं external triggers के अंदर, जैसे आपकी energy supply of energy है, आपके factors हैं। आजकल for example देखें, इसकी बड़ी जीती जागती example हमारे मुल्क में मौजूद है, energy crisis। Textiles को अब बिजली नहीं मिलती, तो textiles ने क्या किया, अपना energy जो source है, वो उन्होंने change कर लिया towards other एनर्जी सोर्सेस, ठीक है ना। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स और इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो आपके डिटरमिन करते हैं कि किस किस्म का चेंज जो है वो आएगा। हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, क्लाइमेट के चेंजेस हैं, और ये तमाम चीजें जो है ये आपके इकोलॉजिकल फैक्टर्स में आती है, चेंज को एग्जीक्यूट करती है। लीगल फैक्टर्स होते हैं चेंज के, नए लॉज आ गए हेल्थ एंड सेफ्टी के, पॉल्यूशन के, जितने भी हमने लॉज पढ़े थे, एम्प्लॉयमेंट लॉज आ गए फॉर एग्जांपल, हर दफा नया लॉ आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका जो लेबर का जो मिनिमम वेज का जो लॉ आया है एम्प्लॉयमेंट लॉज के अंदर, अब उसके हिसाब से हर इदारे को अपना जो पे रोल सिस्टम है वो चेंज करना पड़ा, ठीक है ना। मिनिमम वेज रेट जो है वो ही दे रहे हैं जो गवर्नमेंट ने डिफाइन की हुई है। तो एक्सटर्नल ट्रिगर जो है जनरली रिमेंबर, एक्सटर्नल ट्रिगर अनप्लैंड चेंज लेके आते हैं, इंटरनल ट्रिगर प्लान चेंज लेके आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं जनरली, लाइक इट्स नॉट नेसेसरली, लेकिन जनरली जो एक्सटर्नल ट्रिगर होते हैं वो अनप्लान चेंज लेके आते हैं, और जो इंटरनल ट्रिगर है वो प्लान चेंज लेके आते हैं। इंटरनल ट्रिगर में कौन से हैं आपके चेंज के ट्रिगर? सीनियर मैनेजमेंट में कोई चेंज आया है, या सीनियर आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेंज हुआ है, वो अपने हिसाब से कोई ना कोई नया आइडिया लेके आया बिजनेस में, ठीक। बिजनेस जो है उसने ग्रो किया है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है बिजनेस की थ्रू एक्विजिशन और मर्जर। एक्विजिशन और मर्जर का जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, ये जो दो चीजें हैं ये वाले, ये जो आपके डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हैं, ये इंशाल्लाह बीएम में जाके पढ़ेंगे। यू आर गोइंग टू स्टडी देम इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। बेसिकली ये ग्रोथ स्ट्रेटजीज है। जब भी कोई बिजनेस ग्रो करता है ना, तो इट ग्रोज थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। वो जो कोई भी जो एंटिटी ग्रो करती है ना, वो डिफरेंट मैकेनिजम्स के साथ ग्रो करती है। ये जो आपके मैकेनिजम्स होते हैं ग्रोथ के, दे कैन बी एग्जीक्यूटेड थ्रू एक्विजिशन और थ्रू मर्जर। एक्वायर, एक्विजिशन का वर्ड निकला एक्वायर करने से। एक्वायर मीन्स एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को परचेज कर लेती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
फेसल बैंक ने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड को एक्वायर कर लिया, ठीक है, या इफ यू टॉक अबाउट एनआईबी ने पिकिक को एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन हो गई, लाइक अ लार्जर कंपनी परचेजेस, या फॉर एग्जांपल फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया, ठीक है, फेसबुक द फेसबुक हैज एक्वायर्ड व्हाट्सएप। तो एक्विजिशन का जो प्रोसेस होता है दैट ट्रिगर्स अ वेरी डिटेल्ड चेंज इन द बिजनेस। जब भी आप किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं तो बेसिकली आप उसके सारे प्रोसेसेस को अपडेट कर रहे होते हैं, आप उसे चेंज कर रहे होते हैं सो दैट यू कैन मेक द बिजनेस वर्क इन अ बेटर मैनर। अच्छा, एक होता है मर्जर। मर्ज का मतलब होता है दो एंटिटीज जो है वो आपस में अपनी कॉम्पिटेंसेस को मर्ज कर लेती, जैसे फॉर एग्जाम्पल रैकिट एंड कोलमैन और बनकीजर इंटरनेशनल, ये मर्ज होकर बन गया रैकिट एंड बनकीजर, जिसके हम यूज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसी तरह मर्जर जो है वो दो एंटिटीज जो है वो आपस में मर्ज हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेट्रो कैश एंड कैरी और मैक्रो, ये दो डिफरेंट एंटिटीज थी, अब ये मर्ज हो गई है, ठीक है। अब पाकिस्तान में सिर्फ ओनली पाकिस्तान, नाउ दे हैव मर्ज टुगेदर, और फ्रंट एंड पे मेट्रो का नाम यूज हो रहा है, बैक एंड पे जो सप्लाई चेन है उनकी वो सारी की सारी मैक्रो हैंडल कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग हैंडल्ड बाय मैक्रो। अच्छा, इसी तरह डी मर्जर्स होते हैं और डाइवेस्टमेंट्स होती हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। चेंज बिजनेस में तब आता है जब आप एक बड़ी एंटिटी जब दो हिस्सों में टूट जाती है, व्हेन अ लार्ज एंटिटी इज ब्रोकन डाउन इनटू टू डिफरेंट एंटिटीज, तो इसे हम नाम देते हैं डी मर्जर का, दैट इज नोन एज डी मर्जर। या डाइवेस्टमेंट, एक बड़ा बिजनेस जो है वो अपना छोटा पोर्शन सेल कर देता है, अब ह्यूज बिजनेस सेल्स ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द बिजनेस, तो फिर डीलेयरिंग होगी, फिर डाउनसाइजिंग होगी, फिर आप इधर में से लोगों को जो है वो अपना ले ऑफ करेंगे, आप अपने मैन पावर को रिड्यूस करेंगे, तो ये तमाम चीजें जो है ये आपकी डी मर्जर या डिवेस्टमेंट में आती है। इन टॉपिक्स को आप डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, बट एनी हाउ ये इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं चेंज के। आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ग्रोथ इन द साइज ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस साइज ग्रो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो ओवरऑल काम करने का मैकेनिज्म है उसमें आपने सपोज पहले आप टॉल स्ट्रक्चर में काम करते थे, जी रैशनलाइज करने का मतलब होता है अपनी एक्टिविटीज को राइटली डिटरमिन करना, मतलब उसमें आप जो ओवरहेड्स हैं आप उसे मिनिमाइज कर देते हैं, वेस्टेज को आप रिमूव कर देते हैं, जो आपके ओवरहेड्स हैं उनको आप मिनिमाइज कर देते हैं, एंड वी ट्राई टू रिमूव द वेस्टेजेस, इसे कहते हैं रैशनलाइज करना, यू हैव रैशनलाइज द बिजनेस। लॉजिकली आप बिजनेस को जो है वो इतना, इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं लीन मैनेजमेंट की, दीज आर टर्म नेम्ड एज लीन मैनेजमेंट। लीन का मतलब होता है दुबला पतला, यानी आप बिजनेस को इस तरह से मैनेज करते हैं कि उसमें प्योर लॉजिकल और फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर आप रखे चला रहे हैं बिजनेस को, और उसमें से आप जितने भी आपके ओवरहेड्स हैं, आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, उस सबको आप रिमूव कर देते हैं, दैट इज नोन एज लीन मैनेजमेंट, इसे हम नाम देते हैं लीन मैनेजमेंट का। सो ऑल ऑफ दीज आर योर इंटरनल ट्रिगर्स ऑफ चेंज। चेंज जब भी आएगा किसी बिजनेस के अंदर वो या एक्सटर्नली आएगा या इंटरनली आएगा। रिमेंबर दिस थिंग दैट एक्सटर्नल जो ट्रिगर होते हैं किसी भी चेंज के, ये जनरली अनप्लान चेंज लेके आते हैं, दे ट्राई टू ब्रिंग इन अनप्लान चेंज, और जो इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं किसी भी चेंज के, दे ट्राई टू ब्रिंग इन प्लान चेंज, ये प्लान चेंज लेके आते हैं। एक्सटर्नल ट्रिगर्स आर गोइंग टू ब्रिंग इन अनप्लान चेंजेस एंड इंटरनल ट्रिगर्स आर गोइंग टू ब्रिंग इन प्लान चेंजेस। अच्छा, एक चेंज प्रोसेस जो है वो आ गया, एग्जीक्यूट हो गया, यू हैव डिटरमिन्ड टू चेंज, अदरवाइज आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है इंडस्ट्री में रहने के लिए, यू माइट नॉट सर्वाइव, यू माइट नॉट स्टे इन द इंडस्ट्री। चेंज जो है वो आपने ट्रिगर कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, आप उसे कैसे मैनेज करेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज द चेंज एंड वॉट माइट बी द कॉन्सिक्वेंसेज। नॉट नेसेसरली, नहीं, मतीन का क्वेश्चन है जी कि डू ऑर्गेनाइजेशन सप्रेस दीज ट्रिगर्स टू सम एक्सटेंट। देखिए अगेन मैंने जैसे पहले बात की है कि चेंज इज समथिंग इनएविटेबल, आप आज नहीं करेंगे आपको कल चेंज होना पड़ेगा, सो यू कैन नॉट सप्रेस द ट्रिगर्स, आप इसे सप्रेस नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, मतलब करने को आप चाहे जितनी मर्जी डेमोग्राफी चेंज हो रही है आप ना चेंज करें अपने आप को, ठीक है ना, कस्टमर की बाइंग पावर चेंज होती जा रही है, आप अपनी प्राइस ना चेंज करें, एक टाइम तक तो आप चला लेंगे लेकिन लॉन्ग रन के लिए आप नहीं चला सकेंगे, यू माइट नॉट बी एबल टू ट्रिगर इट फॉर अ लॉन्गर रन।
तो सप्रेस नहीं कर सकते आप उसे नहीं दबा सकते, ये एक इनएविटेबल रियलिटी है। बेहतर ये है कि आप कूप अप करें चेंज के साथ, अगर कोई एक्सटर्नल ट्रिगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो ट्राई टू कूप अप विद इट, उसके साथ अपने आप को आप जनरेट करें, डेवलप करें, ताकि आप भी चेंज हो सके। चेंज हैज टू बी मैनेज्ड वेरी केयरफुली, अदरवाइज क्या होगा, डिसरप्शन आएगी। डिसरप्शन का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, डिसरप्शन कहते हैं हर्डल्स को, मसाइल को। और बहुत सारे चेंजेस हैं दे सिंपली फेल टू अचीव द प्लान्ड बेनिफिट बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज इंप्लीमेंटेशन। जब आप चेंज को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर इंप्लीमेंटिंग द चेंज, तो उस वक्त बहुत सारे इदारे जो हैं वो फेल हो जाते हैं, दे सिंपली फेल बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज द चेंज प्रोसेस इफेक्टिवली। तो चेंज का एक मेजर कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है, डिसरप्शन, दिस इज द मेन, या फेलियर। अगर चेंज सही तरह एग्जीक्यूट नहीं होगा तो यही इसके दो मेन कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और इन दो कॉन्सिक्वेंसेज को एलिमिनेट करने के लिए, इन दो कॉन्सिक्वेंसेज को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको कुछ चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी से चेंज को लेके आना पड़ता है। वी हैव टू एग्जीक्यूट द चेंज बाय एम्प्लॉइंग सम चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या है, वो कुछ आपके सामने गिवन है कि किसी भी अच्छे चेंज को लाने के लिए सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि चेंज है क्या और इसे लेके कैसे आना है। देन यू मस्ट रिकग्नाइज द नीड टू चेंज द सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सो दैट यू कैन मेक द न्यू चेंज वर्क सक्सेसफुली। स्ट्रक्चर में भी चेंज लेके आते हैं आप, रिमेंबर दिस थिंग, चेंज जब भी आएगा, हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस जो आपके, इसमें तीन पिलर है, देर आर थ्री पिलर इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, इसके तीन पिलर्स हैं। पहला पिलर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेकंड पिलर इज चेंज, एंड थर्ड पिलर इज कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के तीन पिलर्स हैं, स्ट्रक्चर, चेंज एंड कल्चर, एंड ऑल ऑफ दीज थ्री पिलर्स आर इंटर रिलेटेड। ये तीनों के तीनों जो पिलर्स हैं ये आपस में इंटर कनेक्टेड है, ये लिंक्ड है आपस में। किसी एक में जब आप कोई ना कोई अपडेट करेंगे चीज, तो दूसरा ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। तो चेंज का इंपैक्ट आपके स्ट्रक्चर पे भी आएगा, यू हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर सो दैट द चेंज माइट वर्क सक्सेसफुली। चेंज का इंपैक्ट कल्चर पे भी आएगा, आपको अपना कल्चर भी चेंज करना पड़ेगा। चेंज का इंपैक्ट एम्प्लॉइज पे भी आएगा, ठीक है, आपके जो इंप्लॉइज हैं उनको आपने कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इंप्लॉइज सबसे बड़ा रेजिस्टिंग कॉम्पोनेंट है चेंज की तरफ, ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स चेंज। अगर एम्प्लॉइज चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो चेंज विल डेफिनेटली बी फेल हो जाएगा, चेंज जल्दी आसानी से नहीं आएगा। आपको केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको केयरफुली चेंज को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर दैट द थिंग्स मस्ट चेक एंड रिमेन इन देयर प्लेसेस आफ्टर यू हैव मेड द चेंज। ये हम आगे जाकर चेंज मैनेजमेंट मॉडल में पढ़ेंगे। जब आप एक चेंज ले आते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको फिर उस चेंज को फोर्स करना पड़ता है कि वो चेंज जो है वो अपनी जगह पे रहे। आप लोगों के एक्सपीरियंस को डेवलप करते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें आप रिवॉर्ड करते हैं ताकि वो मोटिवेटेडली उस चेंज प्रोसेस में रहे। तो किसी भी चेंज मैनेजमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस को एलिमिनेट करने के लिए, डिसरप्शन को, फेलियर को एलिमिनेट करने के लिए हम ये सारा काम करते हैं। वी गो फॉर different strategies to manage the change effectively. ये basically strategies हैं. These are what we call as strategies to manage the change effectively. किसी भी change को effectively manage करने के लिए हम इन strategies को employ करते हैं, ठीक है। और इन strategies के अगेंस्ट आगे बहुत सारे models हैं, there are so many models of change management. ये models हम इंशाल्लाह आगे जाकर discuss करेंगे second part के अंदर, जब आप बात करते हैं हाउ टू मैनेज द चेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफाइंड व्हाट इज चेंज, नेचर ऑफ चेंज, हमने चेंज की टाइप्स की बात की, हमने चेंज की डायमेंशंस की बात की, फिर हमने चेंज के ट्रिगर्स की बात की, एक्सटर्नल ट्रिगर्स होते हैं, कुछ इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चेंज। लेट्स टॉक अबाउट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स चेंज, ये भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन अपीयर होने के चांसेस है। चेंज की तरफ इंप्लॉइज के एटीट्यूड या लोगों के एटीट्यूड क्या होते हैं, एटीट्यूड हमेशा इंसान का होगा, एटीट्यूड कभी भी किसी बेजान चीज का नहीं होता। योर कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी एटीट्यूड, योर मोबाइल डज नॉट हैव एनी एटीट्यूड, ठीक है। आप मोबाइल ऑन करें और आप किसी को कभी, आपने ये कहते नहीं सुना होगा, यार मेरा मोबाइल मुझे बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है,
ना, यू हैवन हर्ड इट कि माय मोबाइल इज शोइंग मी सम एटीट्यूड. मोबाइल कैन नॉट शो एनी एटीट्यूड. एनी एनी नॉन लिविंग थिंग डज नॉट हैव एनी एटीट्यूड. हम इंशाल्लाह सिक्स चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे मतीन, एटीट्यूड और बिहेवियर जो है ये इंटरलिंक्ड होते हैं. बिहेवियर एटीट्यूड से निकलता है, बिहेवियर जो है वो आपका एटीट्यूड से निकलता है. एटीट्यूड बेसिकली अगर मैं डिफाइन करूं, वैसे इसको हमने जाके आगे इंशाल्लाह पढ़ना है छठे चैप्टर में, बट स्टिल जस्ट टू क्लियर योर पॉइंट, एटीट्यूड इज अ डीपली हेल्ड इंटेंशन. एटीट्यूड जो है ये एक डीपली हेल्ड इंटेंशन है जो आप दिल में रखते हैं. बिहेवियर इज अ रिएक्शन बेस्ड ऑन एटीट्यूड. बिहेवियर जो है वो आपके एटीट्यूड पे बेस करता हुआ आपका रिएक्शन होता है. सो एटीट्यूड्स और आपका जो कल्चर है दे माइट बी ब्लॉकेजेस टू चेंज. ये चेंज को ब्लॉक कर सकते हैं, ये चेंज की तरफ अपोजिंग फोर्सेस का किरदार अदा कर सकते हैं. दे माइट रिजिस्ट द चेंज पैटर्न, ये चेंज पैटर्न को रिजिस्ट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, एटीट्यूड जो होते हैं एक इंसान के, वो किस तरह से डेवलप होते हैं? हाउ डज द एटीट्यूड आर डेवलप्ड? एटीट्यूड डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिकॉज ऑफ योर पर्सनल रीजंस एंड फियर्स. आपको लगता है कि चेंज जो है ये आपकी जॉब को एट रिस्क कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, आप मैनुअल अकाउंटिंग में माहिर है लेकिन आपको यूज नहीं करना आता कंप्यूटर. अब आपका जो बैंक है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम लेके आ रहा है, तो अब आप यहाँ पे रिस्क पे आ गए. नाउ यू बिलीव दैट दिस चेंज इज गोइंग टू मेक योर जॉब एट रिस्क, या आपको इट विल लीड यू टू अ प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉई रिडंडेंसी, या एम्प्लॉई को लगता है कि उनका एग्जिस्टिंग स्किल किसी काम का नहीं रहेगा. ठीक है, किसी मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से उन्हें ये लगता है कि उनका जो स्किल है वो किसी काम का नहीं रहेगा, या एम्प्लॉई को लगता है कि उनके लिए जो वर्किंग कंडीशन है वो मरीज खराब हो जाएंगे. तो ये जॉब से रिलेटेड कुछ फियर्स होते हैं जो चेंज की तरफ आपका नेगेटिव एटीट्यूड बिल्ड करते हैं. इसी तरह आपके कुछ पर्सनल फियर्स होते हैं, पर्सनल थ्रेट्स होते हैं. आपको लगता है कि आप लेस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अपने एम्प्लॉयर के लिए. पहली बात है, जब आपका स्किल किसी काम का नहीं रहा तो आपके एम्प्लॉयर को भी आपकी अपना आपकी जरूरत नहीं रहेगी. यू विल बी लेसर इंपॉर्टेंट फॉर योर एम्प्लॉयर. आपको लगता है कि आप पहले जो काम करते रहे हैं उस पर अब तनकीद होगी आपको, क्योंकि अब नई मशीनरी आ गई है, नई चीजें आ गई है, तो अब आपको तनकीद का सामना करना पड़ेगा. ठीक है ना. या फिर आपको लगता है कि आपका काम जो है इट विल बी गेटिंग लेस इंटरेस्टिंग एंड यू आर नॉट विलिंग टू लर्न न्यू वे. ये होते हैं स्टेटस क्वो, जो हम कल भी बात कर रहे थे. दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टेटस क्वो. यू डोंट वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स. आप नहीं चाहते कि आप नई चीजें सीखें. यू डोंट वॉन्ट कि आप नई चीजों को सीखें. यू डोंट वॉन्ट कि आप चेंज हो. तो ये आपके कुछ पर्सनल फियर्स, पर्सनल थ्रेट्स होते हैं जो आपके आपको रिजिस्ट करवा रहे होते हैं. और एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फियर है जिसे हम फियर ऑफ अननोन कहते हैं. ये हर इंसान के अंदर होता है. इट इज इन एवरी सिंगल इंडिविजुअल, फियर ऑफ अननोन. फियर ऑफ अननोन का मतलब ये है कि जिस चीज को आपने देखा नहीं है ना, उसके अगेंस्ट आप हमेशा एक नेगेटिव थॉट को ज्यादा बिल्ड करते हैं. यू वेन यू हैव नॉट एनकाउंटर्ड समथिंग, तो आपकी नेगेटिव थॉट हमेशा ज्यादा बिल्ड होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जब पेपर देने जाते हैं तो अभी पेपर आपके सामने चूंकि आया नहीं होता, तो आपके नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में ज्यादा आ रही होती है. इट्स वेरी रेयर कि कोई बंदा पेपर देने जा रहा हो और एक पॉजिटिव मूड के साथ जा रहा हो. ये बड़ा मुश्किल है. आप थ्रेट में होंगे, फियर में होंगे, क्योंकि अननोन है आपके आगे. और जब पेपर आपके सामने आ जाता है, देन यू रियलाइज कि नहीं, आपको आता है. फिर आप उसके हिसाब से अपने आप को प्लान करते हैं, टाइमिंग को प्लान करते हैं, आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं. फिर देयर आर सर्टेन सोशल रीजंस. कुछ सोशल रीजन भी होते हैं चेंज की तरफ जो आपका नेगेटिव एटीट्यूड बिल्ड करते हैं. आपको लगता है कि जो चेंज आएगा ये आपके वर्क ग्रुप को तोड़ देगा, आपको सेपरेट कर देगा आपके दोस्तों से. आपको लगता है कि जो चेंज आएगा ये आपको फोर्स करेगा कि आप अपने तौर पे खुद काम करें और कम इंटरेक्ट करें अपने दोस्तों के साथ. सोशल रीजन में यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको लगता है कि यू माइट बी यू नो लूजिंग योर फेम. आपका जो फेम है वो खत्म हो जाएगा. जिस काम के लिए आप पहले जाने जाते थे, अब वो फेम आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब वो काम करने के लिए मशीन आ गई है. ठीक है. तो बेसिकली सोशल रीजन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तीन किस्म के एटीट्यूड होते हैं आपके चेंज की तरफ प्राइमरली. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सम पर्सनल रीजंस, फियर्स, थ्रेट्स. वी हैव सम जॉब रिलेटेड रीजंस,
एंड वी हैव सर्टन सोशल रीजन। अच्छा जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सबसे एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में स्ट्रक्चर, चेंज एंड कल्चर, तो तीनों इंटरलिंक्ड है आपस में। तो चेंज एंड कल्चर आर ऑल्सो वेरी मच इंटरलिंक्ड। चेंज और कल्चर जो है दे आर वेरी मच इंटरलिंक्ड। चेंज जब भी आएगा वो कल्चर को भी चेंज करेगा अपने साथ। ये हम इंशाल्लाह फिफ्थ चैप्टर में जाके चेंज अपना कल्चर के ऊपर हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे दैट हाउ डज द बिजनेसेस रिएक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन देयर कल्चर और किस तरह वो कल्चर के अंदर चेंज लेके आते हैं। इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करेंगे हम लोग। कल्चरल वेब एक मॉडल आएगा इन द फिफ्थ चैप्टर जो आपको बताएगा कि किस तरह से बिजनेसेस जो है वो चेंज प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरह से मेजर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स चेंज को हम जो है वो डिफाइन करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट मॉडल है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है एलिजाबेथ रॉस कैंटर की। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रोजाबेथ मॉस कैंटर। मॉस कैंटर टॉक्ड अबाउट मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। एलिजाबेथ रॉस कैंटर जो है इसने बात की थी कि कल्चरल रीजंस वो कौन कौन से होते हैं जो एक इदारे को चेंज अडेप्ट बनाते हैं। चेंज अडेप्ट होने का मतलब है अ कंपनी दैट इज विलिंग टू चेंज, अ कंपनी दैट इज मोटिवेटेड टुवर्ड्स अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। ये चीज कल्चर से आती है आपके। एक कल्चर में तीन चीजें होती हैं जो आपको चेंज अडेप्ट बनाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिनेशन टू इनोवेट, आप कितनी क्रिएटिविटी चाहते हैं, हाउ क्रिएटिव यू वॉन्ट टू बी, आप कितनी क्रिएटिविटी चाहते हैं। देन प्रोफेशनलिज्म टू परफॉर्म, आपका जो बिहेवियर है वो कितना प्रोफेशनल है, स्किल ओरिएंटेड है रादर देन रोल ओरिएंटेड। हमने बात की थी थर्ड चैप्टर में प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी एंड मशीन ब्यूरोक्रेसी। तो प्रोफेशनलिज्म जो है ये डिफाइन करती है कि आपकी किसी भी काम को करने में आपकी ट्रेनिंग कितनी है, आपकी डेवलपमेंट कितनी है ताकि आप किसी भी चेंज को जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सके। और तीसरा इसमें फिनोमेना है ओपननेस टू कोलैबोरेट, रिस्क टेकिंग अप्रोच, आप कितने विलिंग हैं रिस्क लेने के लिए और आप कितने विलिंग हैं ओपनली कोलैबोरेट करने के लिए। ठीक है, ये तीनों की तीनों चीजें जो है ये आपको चेंज अडेप्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। ये एक इदारा जिसमें चेंज को विलिंगली एक्सेप्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें ये तीनों खूबियां पाई जाती हैं। अ कंपनी दैट इज विलिंग टू एक्सेप्ट सर्टन चेंज is going to have these three attributes in them: imagination to innovate, then professionalism to perform, and then openness to collaborate. और ये तीनों चीजें जिस इदारे में होंगी वो इदारा ज्यादा बेहतर तरीके से चेंज को वेलकम करेगा, उसको डिजायरेबल बनाएगा अपने लिए, नेचुरल प्रोसेस में खुद ब खुद दाखिल होगा, ठीक है, और उसके अंदर थ्रेट जो है वो कम होगा। चेंज जब भी आता है ना किसी बिजनेस के अंदर इट मस्ट ऑलवेज बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजी। जब भी आप कोई भी चेंज लेके आएंगे तो हमेशा उसमें ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि वो जो चेंज है वो आपकी सक्सेस को इंश्योर कर, द चेंज इज इंश्योरिंग योर सक्सेस। और वो इदारे जो हमेशा चेंज को वेलकम करते हैं ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज गेन करते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज मीन्स अ कंपनी दैट हैज इनोवेटेड एंड अडैप्टेड न्यू टेक्नोलॉजी, दे आर गोइंग टू हैव अ मोर सीरियस एंड लॉन्ग लास्टिंग कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर देयर कंपेटिटर्स। ठीक है, कैंटर ने कहा था कि जो एंटिटीज जो चेंज अडेप्ट होती हैं ये फास्ट होती हैं, एजाइल होती हैं, इंटुइटिव और इनोवेटिव होती हैं। ये खूबियां होती हैं चेंज अडेप्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, दे आर फास्ट, दे आर एजाइल। एजाइल का मतलब होता है इजीली मोल्डेबल, फ्लेक्सिबल। एजाइल, एजिलिटी का मतलब होता है यू नो बरकरारी, यानी बड़ी आसानी से और स्पीडली जो है आप उसमें फ्लेक्सीबिलिटी के हिसाब से आप उसे अपडेट कर लेते हैं। इंटुइटिव, इनोवेशन। अगर आप चेंज को अपोज कर रहे हैं, इफ यू आर अपोजिंग चेंज, इफ यू डोंट वांट अ चेंज टू कम, इफ यू वांट टू स्टे इन योर पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग पोजीशन, अगर आप चाहते हैं कि चेंज ना आए, आप चाहते हैं कि जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो बरकरार रहे, उसमें आप चेंज या उसमें आप कोई नई चीज नहीं चाहते, तो फिर आप क्या करते हैं, आप रिएक्ट करते हैं चेंज की तरफ।
जो रिएक्ट टूवर्ड्स चेंज। ठीक है, अच्छा रिएक्शन जो है वो चेंज के मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज इन विच एम्प्लॉइज रिएक्ट टूवर्ड्स चेंज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। रिएक्शन टूवर्ड चेंज जो है ये मुख्तलिफ होते हैं, ये मेनली चार हैं जो आपकी बुक में डिस्कस किए जा रहे हैं। पहला होता है एंट्रेंचमेंट, व्हेन एम्प्लॉइज फुल्ली रिफ्यूज टू चेंज, जब आप किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने में सिंपल जवाब दे दें। और यहां पर फिर मैनेजमेंट क्या करती है, वो नेगेटिव टैक्टिक इस्तेमाल करती है, इधर दे गिव यू अ थ्रेट टू डिसमिस यू और दे एग्जीक्यूट अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू। यानी ये जो रिएक्शन है दिस इज द मोस्ट नेगेटिव रिएक्शन, ये मोस्ट नेगेटिव रिएक्शन है। इस किस्म के रिएक्शन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मस्ट नॉट बी वेलकम, इस किस्म के रिएक्शन को अवॉइड करना चाहिए। इस किस्म के रिएक्शन के अगेंस्ट हम अच्छा चेंज नहीं लेके आ सकते, इसे हम कहते हैं एंट्रेंचमेंट, वी मस्ट अवॉइड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे अच्छा रिएक्शन ये होता है विलिंग एंड एंथुजियास्टिक एक्सेप्टेंस, जहां पर एम्प्लॉइज हम किसी भी चेंज को हैप्पीली एम्ब्रेस करते हैं। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, एम्ब्रेस कहते हैं गले लगाने को, तो आप किसी भी चेंज को गले लगाते हैं। ठीक है, यू एम्ब्रेस द चेंज विद पॉजिटिव अप्रोच। ठीक है, और ये चीज क्रिएट कराती है विन विन सिचुएशन। हम इंशाल्लाह अपने 10th चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोसिएशन में जाकर देखेंगे कि विन विन सिचुएशन क्या होती है और कैसे क्रिएट करवाई जाती है, तो ये इंशाल्लाह हम उसमें जाके देखेंगे विन विन सिचुएशन। अच्छा, एक चौथी किस्म होती है जिसे हम कहते हैं बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस। एम्प्लॉइज एक्सेप्ट तो कर लेते हैं लेकिन मुश्किल से, क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं होती, दे डो नॉट हैव एनी अदर चॉइस, या वो रिजाइन करेंगे या वो चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस में थोड़ी हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, इसमें हमें अपने एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करना पड़ता है चेंज प्रोसेस में। इनको हमें लॉजिकली, बिग्रजिंग में हम लॉजिक यूज करते हैं, एंट्रेंचमेंट में हम लॉजिक यूज नहीं करते, उसमें हम सिंपल देते हैं थ्रेट, फियर देते हैं और उसे जॉब से निकालने की धमकी देते हैं। लेकिन बिग्रजिंग में हम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, मेक द पीपल अंडरस्टैंड द चेंज लॉजिकली, हम उन्हें इन्वॉल्व करते हैं चेंज प्रोसेस में, उन्हें बताते हैं व्हाई चेंज इज नीडेड एंड हाउ इट विल बेनिफिट देम। और अगर तब भी एम्प्लॉइज चेंज को ना समझे तो फिर किस तरह से वो अपनी आउटपुट को उससे अफेक्ट करेंगे, उन्हें क्या कुछ सफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक है विलिंगली एक्सेप्टेंस और एक है बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस। विलिंग एक्सेप्टेंस के अंदर तो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है ना, कि लोग जो है वो किसी भी चेंज को विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं, हैप्पीली अपने जो है उस प्रोसेस में आ जाते हैं। बिग्रजिंग के अंदर आपको थोड़ा सा उसमें करना पड़ता है, उनको लॉजिकली समझाना पड़ता है। एक और इसमें रिएक्शन है एम्प्लॉय से, कहते हैं स्ट्राइक एक्शन, जैसे आप हड़ताल कहते हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ये इस नए बजट में जो बैंकिंग ने जो बैंकिंग अपना बैंक से जो नया टैक्स लगाया है, वैल्यू एडेड टैक्स लगाया है ना 0.6% का ऑन ट्रांजेक्शंस मोर देन 50,000 रुपीज। अब उसके अगेंस्ट फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिटेलर्स ने, शॉपकीपर्स ने, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने स्ट्राइक एक्शन जो है वो कॉल की थी, हड़तालें हुई थी। ठीक है, तो ये जो स्ट्राइक एक्शन होता है ये बेसिकली किसी भी चेंज के अंदर स्मॉल जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है उनको हार्म करने से रोकता है। ठीक है, और जनरली ये जो यूनियंस होती हैं ये इसको सपोर्ट करती हैं, और यूनियंस हैं ये इसको फिर आगे से एग्जीक्यूट करती हैं। और स्ट्राइक एक्शन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम प्रोट्रैक्टेड निगोशिएशन करते हैं। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है म्यूचुअल बेनिफिशरी, म्यूचुअल बेनिफिट, जिससे दोनों का फायदा हो, जिसे आप कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्प्रोमाइज। आप इस तरह की निगोशिएशन करते हैं जो दोनों पार्टीज को कॉम्प्रोमाइज करवाने पे मजबूर करें। ठीक है, ताकि आप एक एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइज को अचीव करें। दिस इज समथिंग विच मस्ट बी अवॉइडेड, इसको भी आपने अवॉइड करना होता है, एक एंट्रेंचमेंट को अवॉइड करना और एक इसको अपना जो है वो अवॉइड करना है। यस, स्ट्राइक एक्शन जो है ना इसके नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा होते हैं। एंट्रेंचमेंट में तो सारी की सारी गेम आपके हाथ में होती है ना, कि आप चाहें तो अगर जो जो बंदा इनकार कर रहा है चेंज को एक्सेप्ट कर दे तो आप जॉब से निकाल दें। लेकिन स्ट्राइक एक्शन जो है ये ग्रुप बेस्ड होता है, इसमें पीछे पूरा ग्रुप होता है, यूनियंस होती है। यस, दिस इज अ बिगर पिक्चर ऑफ एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट इज बेस्ड ऑन अ सिंगल इंडिविजुअल,
स्ट्राइक एक्शन के अंदर पूरा ग्रुप जो है वो फिर अपने हक के लिए खड़ा हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर फिर निगोशिएशन का इंपैक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। वो एंट्रेंचमेंट में आप निगोशिएट नहीं करते, या बात मनवाते हैं या उसे आप फारिग कर देते हैं, लेकिन स्ट्राइक एक्शन में आप निगोशिएट करते हैं, मेक पीपल निगोशिएट, हम लोगों के साथ निगोशिएट करते हैं। इसमें ये नीचे एक एग्जांपल कोट कर रहा है, अगर आप इसको पढ़े तो इट विल मेक द आइडिया मोर क्लियर। ऑफशोरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट डेकेड ऑफ मिलेनियम, 2000 के पहली दहाई में, इट वॉज कॉमन प्लेस फॉर मेनी यूरोपियन कंपनीज टू ऑफशोर पार्ट्स ऑफ देयर ऑपरेशन टू इंडिया एंड लेटर टू ईस्टर्न यूरोप इन अ बिड टू एक्सेस लोअर वेज रेट एंड रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑफशोर का मतलब होता है, एक होता है आउटसोर्सिंग और एक होता है ऑफशोरिंग। इन दोनों में जरा डिफरेंस समझ लें, आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग। आउटसोर्सिंग तो हमने डिटेल से पढ़ा है, आउटसोर्सिंग क्या होती है, अपने ऑपरेशन का कोई एक हिस्सा किसी थर्ड पार्टी से करवाना, ये होती है आउटसोर्सिंग। और जब आप आउटसोर्सिंग को अक्रॉस द कंट्री भेजते हैं, आउटसोर्सिंग व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय सेंडिंग अ प्रोसेस अक्रॉस द कंट्री, तो ये फिर ऑफशोरिंग बन जाती है। जब आप मुल्क से बाहर किसी काम को भेज के पूरा करवाते हैं तो वो फिर उसे आप ऑफशोरिंग कहते हैं, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग जो है, जब आप उसे किसी थर्ड पार्टी को कोई काम दे तो वो आउटसोर्सिंग, और वो थर्ड पार्टी अगर किसी और मुल्क में हो तो वो कहलाएगी ऑफशोरिंग। तो बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज ने अपने पार्ट्स जो है वो इंडिया को भेजे थे बनाने के लिए, और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को दिए थे ताकि ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम कर सके। This often led to the closure of large parts of the operation that traditionally resided in Europe. फिर वो चीजें जो यूरोप में आप बनाया करते थे, आपने उस ऑपरेशनल फैसिलिटी को बंद कर दिया। एम्प्लॉइज को आपने दो ऑप्शन दी, या तो वॉलेंटरली अपना रिडंडेंट हो जाए, ठीक है, इंडिया चले जाए, या फिर किसी और ऑपरेशन का हिस्सा बन जाए, ठीक है, एंड ट्रेनिंग ऑफशोर एम्प्लॉइज और टेकिंग ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट समवेयर एल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। या फिर तीसरी ऑप्शन क्या थी कि वो किसी और इदारे, मतलब उसी इदारे में किसी और पोजीशन पे आ जाए। Whilst one employee, the prospect of moving to India and experiencing a new culture might be an exciting adventure. For others, the upheaval and moving away from friend and family might mean they prefer to take alternative employment. ठीक है ना? अब वो कह रहे हैं कि हर एक के लिए ये चेंज है वो डिफरेंटली आएगा। किसी के लिए तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव होगा कि वो इंडिया जाए और जाकर नया कल्चर सीखे, और कुछ के लिए फैमिली को छोड़ना पॉसिबल नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, वो फिर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ले लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली डिपेंड करता है आपके अपने पर्सनल फैक्टर्स के ऊपर भी कि कोई चेंज है वो किस तरह से आप उसको परसीव करेंगे, एंड हाउ आर यू गोइंग टू मेक दैट चेंज रेडिली वर्क फॉर यू, रेडिली वर्क फॉर यू। तो ये इसके अंदर जो चीजें हैं, तो अभी तक हमने चेंज को डिफाइन किया, वी हैव डिफाइंड चेंज, वी हैव टॉक्ड अबाउट नेचर ऑफ चेंज, हमने इसके अंदर बात की जनाबे अली चेंज के ट्रिगर्स की, हमने फिर बात की जनाबे अली चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस की, फिर हमने इसके अंदर बात की कि चेंज प्रोसेस को आप किस तरह से सक्सेसफुली हैंडल करते हैं बाय यू नो फाइन ट्यूनिंग योर कल्चर, फिर रिएक्शंस टुवर्ड चेंज क्या होते हैं, एटीट्यूड्स टुवर्ड चेंज क्या होते हैं। इस पोर्शन में से रिएक्शंस टुवर्ड चेंज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड्स टुवर्ड चेंज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के कॉन्सिक्वेंसेस और चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो इस पार्ट में फॉल करते हैं, और इसके बाद आएंगे हमारे पास चेंज मैनेजमेंट के मॉडल, ये इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे इंशाल्लाह। और 18th Any questions so far? Please, अभी तक कोई सवाल? जी मतीन, ओके जी, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, प्लीज स्पीक वन एट अ टाइम। जी मतीन, हेलो।
अच्छा सर, कल कल के लेक्चर से रिलेटेड मेरे इन दो क्वेश्चंस हैं। जी जी अच्छा, कल सर आपने एक टर्म यूज की थी ग्रेपवाइन, ठीक है? ग्रेप वाइन। हाँ जी तो आपने आपने उसे नेगेटिव इफेक्ट में बताया था कि इस तरह से रैपिडली इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती जाती है। क्या इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है ग्रेपवाइन का बिल्कुल है बिजनेस जी, में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ग्रेप वाइन पॉजिटिवली भी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी एक्टिविटीज को अलाइन कर दे, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी ओवरऑल, मतलब अभी कोई चीज आप तक आनी है और फिर आपने अपने आप को प्रिपेयर करना, तो आप प्री हैंड अपने आप को तैयार कर लेते। तो ग्रेप वाइन के पॉजिटिव अच्छा फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन इसके ज्यादा इंपैक्ट नेगेटिव होते हैं इदारे में। इट इज मोर टेकन एज अ नेगेटिव फिनोमेना इन द ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू पॉजिटिव फिनोमेना। ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी से मुझे जो आपने सारे दो टाइप्स बताई थी, ठीक है, प्रोफेशनल और मशीन ब्यूरोक्रेसी, प्रोफेशनल तो इसमें हम लोग जनरली बात करें अच्छी कौन सी होती है या प्रोफेशनल इन स्किल्स? अच्छा प्रोफेशनल। हाँ जी, अगर आप जनरली देखें तो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में ना कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, मशीन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं। अच्छा ठीक हो गया। तो इसके अलावा सर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जो मुकम्मल एडोक्रेसी पे चलती है बहुत, जैसे आपकी पूरी या जो उसके कुछ पार्ट्स होते आपकी, हैं? नहीं जी नहीं 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 जैसे आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये पूरी की पूरी एडवोक्रेसी भी चलती है, ठीक है ना? एंटरटेनमेंट सेक्टर है ना ठीक है, आपका, ये जैसे ना बॉलीवुड है जी या जी हॉलीवुड है, ये सारे के सारे प्योरली ठीक है। एडवोक्रेसी, दे ओनली वर्क ऑन एडवोक्रेसी। ठीक है, तो चलें ठीक है सर। सर आज के लेक्चर से मुझे एक क्वेश्चन है, ये बताएं सर, ये जो आपने बताया कि जो इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं चेंज के, हाँ जी ठीक हाँ है जी सर, अगर ये टाइम पे मतलब डिटेक्ट ना किए जा सकें, जाहिर सी बात है मतलब अगर आज डिटेक्ट होने चाहिए थे कल तो डिटेक्ट हो जाएंगे, एग्जैक्टली मतलब अगर टाइम पे डिटेक्ट नहीं हो पाते तो जाहिर सी बात है उसमें जब ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, मतलब वो कंप्लाई नहीं कर पाएगी कंपटीशन में, बिल्कुल तो सर इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई अपना पर्सनल रखती है कि डिटेक्ट किए जाए टाइम पे या बिल्कुल कुछ इस बिल्कुल। तरह से? चेंज मैनेजर होता है ये, हम इस पोर्शन में पढ़ेंगे, मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक चेंज में। एक बंदा होता है बकायदा जिसे हम चेंज एजेंट कहते हैं, ये नाम है इसका, चेंज एजेंट, या इसे हम ठीक चेंज है मैनेजर कहते हैं। ये वो बंदा होता है जो चेंज को सेंस करता है, जो प्री प्लानिंग करता है, और यही वो बंदा है जो रोल प्ले करता है जो चेंज कैटलिस्ट की, इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे चेंज। चलें ठीक हो गया सर। कल 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 की क्लास का टाइम भी काइंडली थोड़ा सा आगे भी से कर दें, जुम्मे की नमाज का टाइम भी होता है उसमें। यार कल क्या दिन है? चलो हम कल ना फिर 12:30 स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, चलें ठीक है सर, कल हम लोग थैंक 12, यू सो मच। मैं तो यहाँ पे लिख भी दूँ, कल की जो क्लास है ये हम लोग 12:30 PM पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चल चलें ठीक है सर, ओके चल, शुक्रिया। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन अदीम, शहरयार, यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर। चल जी, फिर इसको, अच्छा मंडे को इंशाल्लाह हमारा टेस्ट स्केड्यूल्ड है फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर, ठीक है? तो मंडे को काइंडली कम प्रिपेयर्ड। अच्छा, अब जो आपका टेस्ट होगा वो इसी 90 मिनट्स की ब्रैकेट में होगा, जो हमारी क्लास की ब्रैकेट है इसी में होगा, इसी स्क्रीन पे, यहाँ पे टेस्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? द क्वेश्चंस विल बी रिटन 1, 2, 3 व्हाट सो एवर। आपको उन्हीं 90 मिनट्स में जो है वो टेस्ट को कंप्लीट करना है, और उसके बाद राइट एज सुन एज द टाइम इज ओवर, फॉर एग्जाम्पल मैं टेस्ट का टाइम देता हूँ आपको टोटल 80 मिनट्स, ठीक है? 1 घंटा और 20 मिनट। तो रिमेनिंग 20 मिनट्स में फिर आपने उसको, उसकी स्नैप्स लेके, या अगर स्कैनर आपके पास मौजूद है उसको स्कैन करके आपने फिर उसको जो है वो मुझे या मिस फायदा या दोनों को आपने जो है वो ईमेल कर देना, ठीक है? उसका प्रिंट आउट लेके फिर उसको चेक करके आपको वापस उसकी जो इमेजेस है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो दैट इज अ मोर, क्योंकि पता है मैंने पहले प्रैक्टिस करवा के देखी है टाइपिंग की। शहरयार, काइंडली सेंड योर टेस्ट मी अगेन, आप ना वर्ड की फाइल जरा दोबारा ईमेल करें, आपका टेस्ट ओपन नहीं हो रहा, ठीक है? और मतीन, आपका टेस्ट मिस फायदा के पास मौजूद है, उनसे रब्ता कर लें, उनसे कहें कि वो आपको ना स्कैन करके भेज दें, ठीक? कल 1 बजे FAR 2 की क्लास खत्म होगी। ओ माई गुडनेस, चलो हम 12:30 पे हल्की फुल्की गपशप लगानी शुरू कर देंगे। एज सुन एज यू गेट फ्री आप आके ज्वाइन कर लेना, ऐसा कोई मसला नहीं है। इतना हम शुरू में वैसे भी इतने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, मॉडल्स हैं वो इंशाल्लाह 1 बजे के बाद ही आएंगे, ठीक है? तो अपना शहरयार,
काइंडली दोबारा अपना टेस्ट यार ईमेल कर देना प्लीज, ठीक है, ईमेल योर टेस्ट वंस अगेन। और उसके अलावा जो अब आपका अगला टेस्ट है, मैं फिर से कल दोबारा इंशाल्लाह एक बार ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन अब टेस्ट आपका इस पैटर्न के ऊपर होगा, ठीक है, एम आई अंडरस्टूड जी? ठीक है, चलो इंशाल्लाह फिर अब आपसे कल होगी मुलाकात 12:30 बजे।